थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी सीरियल देखते ही देखते दर्शकों का फेवरेट शो बन चुका है। इस सीरियल में हमें काजोल और अर्जुन के साथ साथ कई ऐसे कलाकार देखने को मिल रहे हैं जो काफी आलीशान और महंगे महंगे घरों में रहते हैं, तो उन्हीं में से कुछ कलाकार छोटे छोटे घरों में भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सीरियल में इतने महंगे घरों में रहने वाले कलाकार अपनी रियल लाइफ में भी काफी आलीशान और महंगे घरों में रहते हैं, जिनकी में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको इस सीरियल में नजर आ रहे कलाकारों के रियल लाइफ घरों से रूबरू कराकर उनकी कीमत भी बताएंगे। तो अगर आप भी रूबरू होना चाहते हैं उनके घरों से, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार और कितने महंगे हैं उनके घर। नंबर एक, पत्राली चट्टोपाध्याय। इस सीरियल में अर्जुन की भाभी श्रेया के किरदार में नजर आ रही अभिनेत्री पत्राली चट्टोपाध्याय मुंबई के आलीशान फ्लैट में रहती हैं, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है, जो 2 BHK फ्लैट है। इनका ये घर काफी सुंदर है, जिसे इन्होंने पिंक कलर के पैंट और लाइट से काफी खूबसूरती से सजा रखा है। वहीं घर के लिविंग रूम से लेकर सभी बेडरूम काफी सुंदर डिजाइन के साथ सजे हुए हैं, जो इनके घर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। नंबर 2, नेहा अरोरा। इस सीरियल में नेहा अरोरा अर्जुन की बहन अनु के किरदार में नजर आ रही हैं, जो अपनी रियल लाइफ में मुंबई के लोखंडवाला इलाके में 2 करोड़ के 2 BHK फ्लैट में रहती हैं, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं है पर काफी सुंदर है। अपने इस घर को इन्होंने काफी हल्के रंग से सजा रखा है, जो इनकी सिंपल सिटी दिखाता है। बात करें इनके बेडरूम की, तो उसे इन्होंने पिच कलर के पैंट और रेड कलर से सजाया है। वहीं बेड भी काफी अच्छा है। बेड के साथ एक छोटी सी अलमारी है, जिसमें इनकी कई सारी बुक्स भी हैं। नंबर 3, मगन जाधव। इस सीरियल में रणदीप के किरदार में नजर आ रहे अभिनेता मगन जाधव, जो इस सीरियल में काजोल के भाई है, ये मुंबई के सबसे महंगे मलाड़ एरिया में रहते हैं। इनका ये घर 3 करोड़ का 3 BHK फ्लैट है। इन्होंने अपने इस घर को काफी सुंदर सजाया है, बड़े बड़े रेड सोफो और क्रीम वॉल पेंट के साथ सजा रखा है, जो इनके घर को एक लग्जरी लुक देता है। नंबर 4, हर्ष अरोड़ा। शो में लीड एक्टर अर्जुन का किरदार निभा रहे हैं अभिनेता हर्ष अरोड़ा, जो मुंबई के लोखंडवाला इलाके में 4 करोड़ 3 BHK फ्लैट में रहते हैं। इन्होंने शानदार तरीके से अपने घर को सजाया है, जिसे इन्होंने काफी लग्जरी चीजों से सजा रखा है, जिसमें एक स्विमिंग पूल है जो कि काफी बड़ा और सुंदर है। साथ ही गार्डन भी है, जिसमें ये काफी सुंदर सुंदर फ्लावर हैं, जिससे इनका घर और भी ज्यादा सुंदर लगता है। नंबर 5, इशिता दत्ता। इस लिस्ट के आखिरी कड़ी में बात करते हैं अभिनेत्री इशिता दत्ता की, जो इस सीरियल में काजोल के लीड रोल में नजर आ रही हैं। ये सीरियल में बहुत छोटे घर में रहते हैं, पर अपनी रियल लाइफ में मुंबई के सबसे महंगे घर में रहती हैं, जिसकी कीमत पूरे 5 करोड़ रुपए है, जिसे इन्होंने काफी लग्जरी चीजों से सजा रखा है। इनके घर में एक काफी शानदार झूमर है, जिसकी लाइटिंग इनके घर में 4 चांद लगाती है। इन्होंने अपने घर को काफी हल्के रंग से रंग रखा है। इनके बेडरूम से लेकर लिविंग रूम तक सब कुछ काफी शानदार है। तो वेल दोस्तों, आपको इन कलाकारों में से किस कलाकार का घर सबसे ज्यादा पसंद आया, आप उस कलाकार का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।